आज के इस वीडियो में हम डीडी फ्री डिश के बारे में एक बार फिर से आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, जहां पर कुछ और चैनलों के नाम आए हैं जिन्होंने अपनी जगह बना ली है। तो यहां पर जो है कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं कि इस बार जो है आप थोड़ा देरी से हमें बता रहे हो, तो देखिए कुछ कन्फर्म भी करना पड़ता है और रिपोर्ट जो हमें ऑनलाइन मीडिया सोर्सेज से मिल रही है वो कितनी जेन्युइन है या नहीं है उसके आधार पर ही जो है यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पता चला और कुछ भी बता दिया, नहीं, जब तक ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक हम यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं करते हैं। और जो भी रिपोर्ट हम आपके बीच यहाँ पर दे रहे हैं वो एक्सचेंज फॉर मीडिया रिपोर्ट की ओर से दे रहे हैं, तो एक जेन्युइन सोर्स है और हमेशा से वो बिल्कुल ट्रस्टेड रहा है। तो जो भी इनके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है ई ऑक्शन के रिगार्डिंग में बिल्कुल सही आ रही है। ऊपर एक दो नीचे जो रिजल्ट है वो हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है 80-90% जो भी रिजल्ट होगा वो सेम ही आपको देखने को मिलेगा फाइनल में भी। तो देरी किस चीज की है, कुछ और चैनलों के नाम भी हमारे बीच आ चुके हैं। पहले भी मैंने आपको कुछ हिंदी धारावाहिक चैनलों के नाम बताए, कुछ हिंदी फिल्मों के चैनल के बारे में भी बताया, और कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन में भी बैठे हुए हैं कि भाई मस्त चैनल और मस्ते चैनल में आप जो है कन्फ्यूज हो गए हैं। ऐसा नहीं है, ये म्यूजिक चैनल है, एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं रहने वाला। तो आपको मैं कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों के आपको वीडियोज भी देखने को मिले होंगे, इवन आपको ऑनलाइन रिपोर्ट भी देखने को शायद कहीं ना कहीं मिली होगी कि धमाल चैनल ने डीडी फ्री डिश पर पार्टिसिपेट किया है। तो वाकई में बताना चाहूंगा ये धमाल चैनल नहीं बल्कि मस्त चैनल है। धमाल जो है वो जल्द ही रीब्रांड हो जाएगा मस्त के नाम से और वो जो है आपके डीडी फ्री डिश पर देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली वो एक एंटरटेनमेंट चैनल रहने वाला है। बाकी बात करें मस्ती चैनल के बारे में, तो मस्ती चैनल को लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं आई है कि वो इस बार जो है स्लॉट जीता है नहीं, क्योंकि हो सकता है अभी आने वाले समय में वो जीत जाए, क्योंकि अभी ई ऑक्शन की प्रक्रिया जारी है, अभी चलेगी कुछ समय और अभी जो है इतने ज्यादा स्लॉट सेल नहीं हो गए हैं कि हम ये कहने लगे कि भाई MPG2 का जो है वो कहीं ना कहीं अब रास्ता बंद हो गया। ऐसा नहीं है, अभी रास्ता खुला हुआ है, बहुत से चैनल जो है अभी स्लॉट जीतने बाकी हैं, वो थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम होने का, क्योंकि जो फाइनल प्राइस होता है बिट का अगर वो थोड़ा सा कम हो जाए तो चैनल को प्रॉफिट हो सकता है, फायदा हो सकता है, और चैनल हमेशा अंतिम समय का इंतजार करते हैं ताकि आखिरी वक्त में वो बाजी मारे और कम से कम कीमत पर अपनी जगह बना ले। तो वो जो है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे खासे चैनल जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं आगे भी, अभी ये ऑक्शन जारी है, अभी खत्म नहीं हुई है। और जो चैनल अभी हमारे बीच रिपोर्ट में सामने आए हैं कुछ और, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन की ओर रुख करेंगे और आपको बताएंगे, चैनल पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको मिलती रहे इसलिए। तो सीधा हम दोस्तों आ चुके हैं अपनी एक्सचेंज फॉर मीडिया वेबसाइट पे और यहाँ पर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि करीबन 11 के आसपास जो चैनल्स हैं वो सफलतापूर्वक अपनी जगह बना चुके हैं। और तीसरे दिन जो ई ऑप्शन रही उसमें डीडी फ्री डिश ने करीबन 112 करोड़ रुपये का जो है कहीं ना कहीं मुनाफा कमा लिया है, जिसमें 6 जो है न्यूज़ चैनल्स इन्होंने बेचे हैं। तो 6 न्यूज चैनल्स पर उन्होंने जो स्लॉट बेचा है उसमें जो नाम रहेगा वो है तो एबीपी न्यूज का, यानी कि एबीपी न्यूज एक बार फिर से आपके लिए वापस आ रहा है, न्यूज इट इन इंडिया, इसने 18 करोड़ जो है आपके लिए पे किए हैं करीबन, और रिपब्लिक भारत आपके लिए वापस आएगा, इसने भी 18 करोड़ रुपए पे किए हैं। इसके अलावा आज तक चैनल है उसने भी 18.85 करोड़ रुपीज पे किया है। इसके अलावा जी न्यूज और NDTV इंडिया इन्होंने भी जो है 18.75 करोड़ रुपीज पे किए हैं। तो कुल मिला के जितने भी चैनल्स हैं वो आपके वापस आ जाएंगे, जैसे कि एबीपी न्यूज, न्यूज इट इन इंडिया, रिपब्लिक भारत, आज तक, जी न्यूज और NDTV इंडिया, तो ये जो चैनल्स हैं वो आपके लिए वापस आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं बाकी चैनल्स के बारे में तो उसमें जो नाम आया है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वो रहेगा बकेट डी में, जिसमें आपके लिए रशिया टुडे ने 18.10 करोड़ रुपीस पे करके अपनी जगह वापस बना ली है, यानी कि MPG2 में एक बार फिर से रशिया टुडे लौट कर आ रहा है डीडी फ्री डिश पर। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉन न्यूज में तो यहाँ पर आपका चुंबक TV है, जो कि आपको मैं पहले ही कल बता चुका हूँ। इसके अलावा शो बॉक्स जो है हिंदी म्यूजिक में वो आपके लिए वापस आ रहा है, फिल्मसी भोजपुरी आएगा, V4E म्यूजिक भी जीत गया है, स्पोर्ट्स सिटी खेल भी आ गया है और मनोरंजन प्राइम ने भी अपना स्लॉट जीत लिया है। तो ये भी कुल मिला के 6 के आसपास चैनल रहते हैं, तो करीबन 11-12 चैनल्स हैं, जिसमें चुंबक TV को हम कल ही आपको बता चुके थे, तो करीबन 11 चैनल्स के आसपास जो है यहाँ पर सफलतापूर्वक जीत हासिल कर चुके हैं। भाई अगर हम बाकी चैनल्स के बारे में बात करें तो बाकी चैनल सारे पुराने ही रहेंगे, जैसे कि हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं वीडियोज में, जैसे कि मनोरंजन TV, मनोरंजन ग्रैंड मस्त, दंगल, सन न्यू, द क्यू और बाकी के जैसे कलर सिनेप्लेक्स, सुपर हिट्स, दी अनमोल सिनेमा, स्टार मूवीज, बॉलीवुड स्टार, गुड फिल्म, सोनी वाह, और जो ई ऑप्शन अभी चल रही है तो
धीरे धीरे करके रिजल्ट्स हमारे बीच आते रहेंगे। और दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज के रिजल्ट्स के बारे में। जिस अगर हम देखते हैं तो मोस्टली सारे के सारे चैनल्स वापस कम बैक ही कर रहे हैं, इसमें कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला कि कोई नया चैनल का नाम नहीं आया अभी तक। ये सारे के सारे वही चैनल्स हैं जो अभी भी आपके डीडी प्रीडिश पर आते हैं और एक बार फिर से ये रिपीट होंगे, इन्होंने वापस अपनी जगह कायम रखी हुई है।